दोस्तों इंडिया में ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने हायर एजुकेशन को क्यूट कर देते हैं पैसों की कमी की वजह से। अब जरा सोचिए कि जो माँ बाप अपने बच्चों को केवल पैसों की कमी की वजह से अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। दोस्तों हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, बट अनफॉर्चुनेटली पैसों की कमी की वजह से बहुत सारे माँ बाप का ये सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप एक पेरेंट हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, या रिसेंटली आपकी शादी हुई है, आप चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में आपकी शादी होगी तो ऑफ कोर्स आपके बच्चे भी होंगे, तो आप अभी से अपने बच्चों के फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं उनके हायर एजुकेशन के लिए, वेडिंग के लिए, या फिर इन जनरल किसी भी चीज के लिए। आप अभी से एक छोटा अमाउंट 500 रुपए, 1000 रुपए या 5000 रुपए हर महीने सेव करके 15 साल 20 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे तब आप करोड़ों का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर में अपने बच्चों के सारे रिक्वायरमेंट्स को आसानी से पूरा कर पाएंगे। इस वीडियो में हम SBI के एक ऐसे बेहतरीन स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्पेशली बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों SBI इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लगभग 7 लाख करोड़ का एसेट मैनेज करती है। SBI के जिस स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। बट जरा ठहरिए, अगर आप ऑलरेडी इस स्कीम का नाम जानते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस स्कीम के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, इस स्कीम के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि क्या वाकई में आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। ये स्कीम सितंबर 2020 में लॉन्च हुआ था, तब से अब तक इस स्कीम का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 44% से भी ज्यादा का है। अगर आप 2020 में 1 लाख रुपया भी इस स्कीम में इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका पैसा दोगुना से भी ज्यादा होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्कीम हमेशा आपको 44% का रिटर्न बना करके देगा, ये घटकर 30% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, इवन 15% भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये स्कीम हमेशा आपको बैंक FD RD से 2-3 गुना ज़्यादा ही रिटर्न बना करके देगा। फिर भी देर से ही सही, अगर आप अभी इस स्कीम में 2 लाख रुपए का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और हम ये एज्यूम करते हैं कि ये स्कीम आपको ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न बना करके देगा, तो आफ्टर 20 ईयर्स आपका टोटल कॉर्पस 1 करोड़ से भी ज़्यादा का बन जाएगा। और यदि आप इस स्कीम में 5000 रुपए की मंथली SIP करते हैं तो आफ्टर 20 इयर्स आपका टोटल कॉर्पस 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का बन जाएगा। अपने अर्निंग का एक छोटा अमाउंट हर महीने सेव करके आप इतना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आप अपने बच्चों के सारे रिक्वायरमेंट्स को आसानी से फुलफिल कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है क्या, इस स्कीम के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, इस स्कीम के लिए आप कहां से और कैसे इन्वेस्ट करेंगे, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इस स्कीम में रिस्क कितना है। इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम है जो 29 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। अब चलिए इन शॉर्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करती है और उसे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड कंपनी फंड को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल को हायर करती है जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है। बेसिकली एसेट क्लास के बेसिस पे म्यूचुअल फंड 3 तरह का होता है। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि वो म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में यानी कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है, उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड कहा जाता है। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड, यानी कि वो म्यूचुअल फंड जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, अब ये कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हो सकता है या गवर्नमेंट बॉन्ड भी हो सकता है, यानी कि डेट म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। तीसरा नंबर है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, वो म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है और डेट में भी इन्वेस्ट करता है, वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड 3 टाइप्स का होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, और जो इन दोनों में इन्वेस्ट करता है वो होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हम बात कर रहे हैं SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड की, जो कि एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी कि ये इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है और डेट में भी इन्वेस्ट करता है, और इस स्कीम का लगभग 80% पोर्शन ऑलरेडी इक्विटी में इन्वेस्टेड है। अब यहाँ आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि जब ये स्कीम अपना 80% हिस्सा इक्विटी में यानी कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है
तो आप क्यों ना खुद डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है, जबकि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप खुद डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज है, पहला BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इन दोनों एक्सचेंज पे लगभग 8000 छोटी बड़ी कंपनियां लिस्टेड है और ये सारी कंपनियां अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सेक्टर की है। अब इतने सारे कंपनीज में से कुछ दो या चार बेस्ट कंपनीज को पिक करने के लिए आपके पास स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए और आपको इनमें से बहुत सारे कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करना होगा, कंपनी के फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट वगैरह, जिससे आप अपने लिए बेस्ट कंपनीज को पिक कर पाएंगे। और आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी से रिलेटेड क्या क्या न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, इन सभी चीजों को आपको टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहना होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि उस कंपनी में चल क्या रहा है, क्या आपको उस कंपनी में टिके रहना है या फिर उस कंपनी से एग्जिट कर लेना है। और ये सारा काम बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए जो कहीं जॉब करता है या एक सेल्फ एम्प्लॉय के लिए इतना ज्यादा समय देना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। तो पहली चीज, आपको खुद डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। एंड दूसरी चीज, ये एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और तीसरी चीज, अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है। कैसे? ये एक स्टॉक है इन्फोसिस, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी IT कंपनी है। अब आप ये मान लीजिए कि आपने काफी रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद ये डिसाइड किया है कि आपको इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है। अब यदि फ्यूचर में इन्फोसिस का शेयर प्राइस 20% से ग्रो होता है तब तो आपको भी 20% का प्रॉफिट होगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर इन्फोसिस का शेयर प्राइस 20% से फॉल होता है तो फिर आपको भी 20% का लॉस होगा। ये तो एक बड़ी कंपनी है, ऐसी हजारों छोटी छोटी कंपनियां हैं जो पूरी तरह डूब जाती है और इन्वेस्टर्स का भी सारा पैसा डूब जाता है। अब यहाँ एक चीज तो क्लियर है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक ही कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि एक कंपनी के बजाय 5 या 10 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करें, लेकिन फिर इतने सारे कंपनी को प्रॉपर मैनेज करना काफी मुश्किल होगा। जितना ज्यादा कंपनी उतना ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आप खुद डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए फुल टाइम देना होगा, और यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो फिर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है। अब चलिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, बहुत सारे अलग अलग आप जैसे हमारे जैसे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है और फंड मैनेजर, जिसकी स्टॉक मार्केट में एक्सपर्टीज होती है, वो अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बेसिस पे मार्केट से 20, 30, 40 बेस्ट कंपनीज को पिक करता है और उन सभी कंपनी में थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, जिससे एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है। अब यदि फ्यूचर में इनमें से 2 या 4 कंपनियां बुरा परफॉर्म करती है तो इससे इन्वेस्टर्स को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आपका सारा पैसा किसी 2 या 4 कंपनी में लगने के बजाय बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कैटेगरी के कंपनी में लगा होता है, जिससे एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है जिसमें आपका रिस्क भी काफी कम हो जाता है। और फंड मैनेजर टाइम टू टाइम इन सभी कंपनी को ट्रैक करते रहता है कि किस कंपनी में क्या चल रहा है। इस दौरान अगर कोई कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही होती है तो फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बेसिस पे उस कंपनी से एग्जिट करता है और किसी दूसरे कंपनी में एंट्री लेता है। फंड मैनेजर का ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। ये सारा तामझाम, ये सारा टेंशन फंड मैनेजर का होता है। और फंड मैनेजर का मेन अप्रोच होता है अपने इन्वेस्टर्स को कम से कम रिस्क में बेहतर रिटर्न बना करके देना। और इसके बदले म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे एक छोटा सा फी चार्ज करती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। और ये एक्सपेंस रेशियो 0.5% से लेकर के 1.5% या मैक्सिमम 2% तक हो सकता है। आपको बस एक बार किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद आगे का सारा काम फंड मैनेजर का होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बुरे से बुरे समय में भी आपको ऑन एन एवरेज 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि बैंक FD और RD से लगभग डबल है।
और म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कंपैरिजन में रिस्क काफी कम होता है और इसमें आपका समय भी बहुत कम लगता है। इसलिए ज्यादातर लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। सो होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, इसके लिए आपके पास कितना समय। अब चलिए फाइनली SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर नजर डालते हैं। ये स्कीम 29 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। इस स्कीम के लास्ट 6 मंथ का रिटर्न है 21.83%, लास्ट ईयर का रिटर्न है 24.64%, लास्ट 2 इयर्स का रिटर्न है 14.54%, लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न है 44.34%, एंड ये स्कीम अपने लॉन्च डेट से ऑन एन एवरेज 44% का बेहतरीन रिटर्न बना करके दिया है। इस स्कीम के फंड मैनेजर हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन, जो कि वेल एजुकेटेड हैं और इनका स्टॉक मार्केट में 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और ये SBI के टोटल 10 स्कीम्स को मैनेज करते हैं, जिसमें SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड तो है ही, इसके अलावा SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, जैसे टोटल 10 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और ये सारे स्कीम काफी बेहतर रिटर्न बना करके दिए हैं। तो फंड मैनेजर काफी अनुभवी हैं और इनसे और इनके टीम से यही उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ये स्कीम ऐसा ही बेहतर रिटर्न बना करके दे। इस स्कीम का AUM है एसेट अंडर मैनेजमेंट 1239 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है 0.93%। ये डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है, रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 2.17%। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डायरेक्ट प्लान ही लेना चाहिए, उसका एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में लगभग आधा से भी कम होता है। और एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना बेटर होता है। अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो ये लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न को बैडली अफेक्ट करता है, जब आपका रिटर्न कंपाउंडिंग होता है और ये एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न से ही कटता है, तो ये जितना कम होगा उतना ही आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो आप मिनिमम 500 से SIP की शुरुआत कर सकते हैं एंड मिनिमम 5000 लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, बट जिस माइनर के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर उस माइनर का एज ये लॉक इन पीरियड खत्म होने से पहले ही 18 साल हो जाता है, तो ये लॉक इन पीरियड वहीं खत्म हो जाएगा। इस स्कीम में एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप अपने यूनिट्स को विद इन 1 ईयर बाय एंड सेल कर लेते हैं तो आपको 3% का एग्जिट लोड देना होगा, और यदि आप 1 साल के बाद और 2 साल से पहले अपने यूनिट्स को सेल करते हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना होगा, और यदि 2 साल के बाद और 3 साल से पहले यूनिट्स को सेल करते हैं तब आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप अपने यूनिट्स को 3 साल के बाद सेल करते हैं तब उस पे कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। अब चलिए एक बार टैक्सेशन के ऊपर नजर डालते हैं। अगर आप अपने यूनिट्स को अपने इन्वेस्टमेंट डेट से 1 साल बाद सेल करते हैं और उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको अप टू 1 लाख तक प्रॉफिट होता है तो उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पे 10% का टैक्स लगेगा। और यदि आप अपने यूनिट्स को अपने इन्वेस्टमेंट डेट से 1 साल पहले ही सेल कर देते हैं तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पे 15% का टैक्स लगेगा। अब चलिए इस स्कीम के पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालते हैं। इस स्कीम के पोर्टफोलियो में अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो इसका मेजर पोर्शन 80.52% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, 0.81% डेट में इन्वेस्टेड है एंड इस स्कीम के पास 18.67% कैश इक्विवेलेंट पड़ा है। इस स्कीम के पोर्टफोलियो का अराउंड 29.26% जॉइंट में इन्वेस्टेड है, लार्ज कैप में 10.34%, मिड कैप में 26.47% एंड इस स्कीम का मेजर पोर्शन स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है अराउंड 33.93%। इस स्कीम के पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 30, जिनमें से टॉप 10 स्टॉक्स का होल्डिंग है 41.1%, टॉप 5 स्टॉक्स का होल्डिंग है 23.93% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का होल्डिंग है 41.91%। पोर्टफोलियो PB रेशियो है 4.13, पोर्टफोलियो PE रेशियो है 27.01, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 11 सेक्टर्स हैं। अगर हम सेक्टर वाइज होल्डिंग की बात करें तो इसका मेजर होल्डिंग है फाइनेंशियल सेक्टर में 17.09%, सर्विसेज में 13.15%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 11.67%, हेल्थ केयर में 8.79%, केमिकल्स में 8.28%, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में 6.19%, इंश्योरेंस में 5.78%, कम्युनिकेशन में 3.29%,
कंस्ट्रक्शन में 2.32%, कैपिटल गुड्स में 1.63%, टेक्सटाइल में 1.12%। इस तरह ये स्कीम 11 अलग अलग सेक्टर्स में अपना होल्डिंग ले रखा है, जिसमें मेजर सेक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विसेज, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, केमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन जैसी बड़ी बड़ी सेक्टर्स है। अब चलिए इस स्कीम के पोर्टफोलियो में टॉप इक्विटी होल्डिंग्स के ऊपर नजर डालते हैं। हेडसन एग्रो प्रोडक्ट में इस स्कीम का 6.38% का होल्डिंग है, अल्फाबेट इंक क्लास ए में 4.82% का, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स में 4.54% का। इसी तरह ये स्कीम और भी बड़ी बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के अंदर अपना होल्डिंग ले रखा है, जैसे कि HDFC बैंक, भारती एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना होल्डिंग ले रखा है। अब चलिए इस स्कीम के रिस्क पैरामीटर के ऊपर नजर डालते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है और इस स्कीम को रिस्कोमीटर पे हाई कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। देखिए, भले ही आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इनडायरेक्टली स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस स्कीम का ऑलरेडी मेजर पोर्शन अराउंड 80% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, बट आपको यहाँ ये समझना है कि डायरेक्ट किसी 2 या 4 कंपनी में इन्वेस्ट करने के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफी सेफ एंड सिक्योर है। कैसे, देखिए, इस स्कीम के पोर्टफोलियो में टोटल 11 सेक्टर्स हैं और इन डिफरेंट 11 सेक्टर से टॉप 30 कंपनीज को पिक करके एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया गया है, और आपका पैसा किसी 2 या 3 सेक्टर्स के 2-4 कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बजाय 11 अलग अलग सेक्टर्स के टॉप 30 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया गया है, जिससे अगर फ्यूचर में कोई 2 या 3 सेक्टर्स या 2-4 कंपनी बुरा परफॉर्म करती है, तो इससे आपके पैसे के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आपका पैसा अलग अलग 11 सेक्टर्स के टॉप 30 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया गया है। अब फाइनली अगर आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना हो तो ग्रो ऐप के थ्रू इस स्कीम में इन्वेस्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है। आपको डायरेक्ट SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, sbimf.com, फिर आपको इस वेबसाइट पे रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपको KYC कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपका बैंक डिटेल्स वगैरह होगा। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे, और इस स्कीम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बट अगेन, ये स्कीम उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कम से कम 7 साल के लिए, या फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल, या फिर उससे भी अधिक समय के लिए। जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है, और लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट के गिरावट में भी आपको ऑन एन एवरेज 10-12% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है, जो बैंक FD और RD से लगभग डबल है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अगेन, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद भी इस फंड के रिगार्डिंग रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं। अगर इस स्कीम के रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।